जय माँ कात्यायनी। मित्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बोल्ड स्काई में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना मित्र आचार्य प्रमोद मिश्रा। मित्रों आज का विषय आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि आचार्य जी क्या लेके आए हैं, क्या बताने वाले हैं, क्या एक नया ज्ञान देने वाले हैं। तो मेरे मित्र आज आपके हाथ में उपस्थित गुरु पर्वत के ऊपर बना हुआ तिल, किस चीज से सावधान रहना है, क्या आपके लिए अच्छा फल लेके आया है या कुछ बुरा फल लेके आया है, इस पर आपको बताने वाला हूं। तो मेरे मित्र कान खोलकर बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके गुरु का पर्वत पर बना हुआ तिल क्या हानि देने वाला है। लाभ तो नहीं कह सकता क्योंकि लाभ ये देता ही नहीं है। यहां पर जितना गाढ़ा और जितना तेज स्थान पर तिल होगा तो उतना ही बड़ा नुकसान भी देता है मेरे मित्र। अब आपको बताने जा रहा हूं, दर्शन भी कराने जा रहा हूं कि आपके गुरु पर्वत का तिल क्या देने वाला है। मित्रों गुरु पर्वत का तिल, गुरु स्थान कौन सा होता है, यह है गुरु की उंगली और इसका जो पर्वत है यानी मूल, ये मूल ही इसका मेन स्थान है। तो इस मूल पर यानी इस पर्वत पर अगर तिल बना हुआ है तो मेरे मित्र मान लीजिएगा कि आपकी पढ़ाई से लिखाई से विद्या से कोई सफलता आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह तिल आपको दोषी बना रहा है, आपके विद्या को आपके ज्ञान को दोषी बना रहा है, ज्ञान को कलंकित कर रहा है। इसलिए गुरु से संबंधित उपाय करने बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है कर्म है उसके अनुसार बन गया लेकिन उपाय तो आपके हाथ में है, वो तो आप कर सकते हैं। इसीलिए गुरु का पर्वत का तिल आप बढ़ते हुई श्रेणी पर यानी श्रेणी पर चढ़ जाते हैं, परिणाम क्या होता है कि नीचे लटक आते हैं, वापस गिर जाते हैं। ये तिल बहुत नुकसानदायक होता है, सावधान रहें, ध्यान दें और इसका समाधान करें। मिलते हैं इसी विषय के साथ आज इतना ही, अगले विषय में मिलते हैं आपके साथ। तब तक दीजिए आचार्य प्रमोद मिश्रा को आज्ञा, नमस्कार।